सरपंच साहेब अब हो जाएंगे ज्यादा पावरफुल। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव में अगर कुछ भीड़ देखी जाए ज्यादा चुनाव लड़ने वालों की, तो भीड़ ज्यादा या तो आप देखेंगे मुखिया में और ग्राम पंचायत सदस्य में, जैसे वार्ड सदस्य कहते हैं, जिला परिषद में पंचायत समिति सदस्य में। सरपंच की स्थिति तो यह रहती थी कि कहीं कहीं सरपंच का पद ही खाली रह जाता है। और पंच में तो जो आंकड़ा आया है 30% जो है तो निर्विरोध चुनाव होता है, निर्विरोध चुने जाते हैं, और लगभग इतने ही प्रतिशत जो है सो खाली रह जाते हैं, पंच का कोरम नहीं पूरा होता है। लेकिन जो ग्रामीण विकास विभाग जो है, पंचायती राज विभाग है, वह शक्ति संतुलन का व्यवस्था कर दिया है। जो इस बार जो पंचायती राज व्यवस्था में सभी पदों के बीच में शक्ति संतुलन की बात की जा रही है, नई व्यवस्था में सही तरीके से विकास और पारदर्शिता के लिए शक्ति संतुलन समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। शक्ति संतुलन से भ्रष्टाचार की संभावना पर भी रोक लगेगी। पंचायतों को मजबूत करने के लिए सरकार कई तरह के बदलाव कर रही है। ऐसे ही कवायद में पहले BDO उप विकास आयुक्त को पंचायतों के काम से अलग कर दिया है। अब पंचायती राज विभाग के तहत प्रखंड और जिलों से अलग से अधिकारी तैनात तो हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ये तो हो गया अधिकारियों की बात, सरकारी कर्मचारियों की बात, नौकरशाहों की बात, अब जो पदों में जो शक्ति संतुलन नहीं था, कहां सरपंच साहब को कोई पूछता नहीं था, पंच साहब को कोई पूछता नहीं था, मुखिया ज्यादा पावरफुल थे, वार्ड सदस्य इवेन ज्यादा पावरफुल थे, तो ऐसी परिस्थिति में सरपंच के हाथों में अब ज्यादा शक्ति दी जा रही है। वह सरपंच साहब अब सबसे पावरफुल हो जाएंगे। हम देखते हैं कि क्या है नया डिसीजन, और अलग अलग पदों का कार्यों का बंटवारा भी कर दिया गया है, तो हम सारी बातों पे चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों पहले मैं आपको परिचय दे दूं, मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। उससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार। तो हम अगर बात करें कि सरपंचों के दिए गए तीन बड़े अधिकार सरपंचों को दिए गए हैं, मुखिया के साथ सरपंचों को पंचायती राज व्यवस्था में तीन बड़े अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार इन्हें मिला हुआ है। देखिए अब अध्यक्षता भी सरपंच साहब करेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत की कार्रवाई और वित्तीय शक्तियां भी इन्हीं के पास रहेगी। इनके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे उनमें गाँव की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने का कार्य, सिंचाई व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रख रखाव करना होगा। तो सरपंच को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, मिल गई है दोस्तों, कि अब यह सिर्फ ऐसे कोर्ट कचहरी का ही काम नहीं देखेंगे, बल्कि गांव में विकास की योजनाओं को का मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। तो मुखिया जी क्या करेंगे, मुखिया जी को का पावर क्या रहेगा, तो मुखिया जी का पावर रहेगा विकास की योजनाओं को बनाएंगे मुखिया जी। पंचायती राज विभाग के अनुसार मुखिया जो को अपने कार्य क्षेत्र में एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू करने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे व अन्य शुल्क की वसूली का इंतजाम करना भी इनके जिम्मे होगा। एकदम बिल्कुल जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका काम करते हैं, उस तरह से इस बार व्यवस्था किया जा रहा है। इसलिए सरपंच साहब को तो पावरफुल बनाया जा रहा है और मुखिया जी को एकदम पुलिस वाली भूमिका दे दी जा रही है। अगर हम दोस्तों बात करें पंचायत चुनाव की, तो जो अगले 5 वर्षों के लिए यह चुनाव हो रहा है, और बिहार मुखिया चुनाव और जिला परिषद के लिए चुनाव किया जा रहा है, इन पदों की अनेक तरह की शक्तियां पीछे मिली हुई थी, लेकिन मुखिया पद काफी पावरफुल माना जाता था। इस बार बिहार सरकार ने के पंचायती राज विभाग के मुखिया और सरपंच दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन सा जो बंटवारा हुआ है, कौन कौन से पदों को क्या क्या शक्ति दिया गया है। तो हम बात करके 11 चरणों में होने वाले चुनाव की अधिसूचना हो चुकी है। 24 सितंबर को पहले चरण में चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके पहले ही पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से
मुखिया और सरपंच के दायित्व का निर्धारण कर दिया गया है। चुनाव होने से पहले दायित्व निर्धारित हो गए हैं। मुखिया को जहां ग्राम सभा पंचायत के पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं को मिलने वाली पंजी की निगरानी की भी जिम्मेवारी होगी। वहीं सरपंच गांवों के सड़कों का रख रखाव, सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे कार्य करेंगे। कहने का मतलब है कि मुखिया जी पर अब कोई लगाम नहीं रहता था, तो सरपंच साहब उस पर अब लगाम लगाएंगे। सरपंच साहब के पास तो अपना न्यायालय है, अगर कुछ ज्यादा टन बन करेंगे तो सरपंच साहब अपने न्यायालय में खड़ा भी कर देंगे। तो खैर ये तो हो गई। अब बात करते हैं कि पंचायत समिति सदस्य को कौन सा काम मिल गया है। तो पंचायत समिति सदस्य को जो कार्य सौंपे गए हैं, उसके अनुसार इन्हें केंद्र, राज्य और जिला परिषद द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना होगा। पंचायत समिति की वार्षिक बजट बनाना व बजट पेश करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं में पंचायत समिति प्रमुख को 25,000 रुपये तक का खर्च करने का अधिकार होगा। अब हम कर लेते हैं कि जो सबसे ऊपर में बैठते हैं जिला में, जिला परिषद जी को इस बार नई व्यवस्था में क्या पावर मिला हुआ है। तो जिला परिषद को जो कार्य का अधिकार दिए गए हैं, उसके मुताबिक पशु चिकित्सक, चिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों का स्थापना, चलंत निदान उपचार एवं प्रयोगशालाओं का स्थापना, बहुत बड़े काम मिले गए हैं। समझ देख, पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालयों का समय, दवाई खाना का स्थापना, चलंत निदान और उपचार प्रयोगशाला की स्थापना करवाना, गायों और सुअरों के प्रजनन प्रक्षेत्र, कुक्कुट मतलब मुर्गी फार्म, बत्तख फार्म, बकरी फार्म, खटाल जिसको कहते हैं, दुग्धशाला, इस तरह के बहुत सारे, बटेर पालन के अलावा महामारी तथा छूत रोगों की रोकथाम करना होगा। इसके अलावा ग्राम कचहरी को दीवानी क्षेत्राधिकार के साथ मामलों का दायर किया जाना है। ट्रायल और ग्राम कचहरी द्वारा पारित आदेश की डिग्री का कार्यान्वयन करना है। अब समझिए कि जिला परिषद का काम हो गया कि जो ग्राम, इसको क्या कहते हैं, ग्राम सरपंच जो हो गए सर, ग्राम कचहरी के कार्यों का जो फैसला लिखा गया, उस फैसलों को क्रियान्वयन कराना भी अब जिला परिषद का काम दिया गया है। तो इसका मतलब कि सरपंच तो बहुत पावरफुल हो गया, एक चिट्ठी निकाल देगा कि जिला परिषद महोदय आप इस कार्य को कार्यपादन करवाइए, इसको कार्यान्वयन करवाइए, तो जिला परिषद को करवाना होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि पंचायतों में शक्ति संतुलन पर जोर दिया गया है, सरपंच साहब को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, मुखिया और सरपंच को, जो पंचायत में जो विकास कार्य होते हैं उसमें, उस विकास कार्य के लिए मुखिया को भी जवाबदेह बनाया गया है, सरपंच को भी जवाबदेह बनाया गया है। जहां मुखिया को विकास कार्यों की योजना बनाने की जिम्मेवारी दी गई है, वहीं सरपंच साहब को उसकी निगरानी करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो दोस्तों कैसी लगी है जानकारी बताइएगा, और सरपंच में कौन कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद सरपंच में भीड़ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह से ताजा ताजा जानकारी के लेकर मैं आपके पास आते रहूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।